अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? वालेकुम सलाम वालेकुम मैम। सलाम मैम, कैसे मैम आ रही? आज बच्चों फार्माकोलॉजी का लेक्चर 11 नहीं बनता, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। लेक्चर ये आप लोगों का कौन सा बनेगा? आई गेस 8 बनता है। यस एट मैम। मैम? यस मैम। हाँ जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है, जो कि आज वाला लेक्चर और जो इससे पिछला लेक्चर था एंटीबायोटिक्स वाला, सिर्फ इन दो लेक्चर्स का क्विज होगा, ठीक है? यानी लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8 सिर्फ क्विज में इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को 28 मई को लेक्चर टाइम पे ही आप लोगों का क्विज होगा, ठीक है? ओके यस मैम। मैम। बस मैम, वेट किसी का किया रीजन हो कि वो ना दे सके बेटा, तो फिर लेक्चर के टाइम पे तो फिर ये कोई आपके पास वो नहीं है, या तो आपने एप्लीकेशन दी हो कि आप नहीं होगी अवेलेबल उस टाइम पे। ओके मैम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स हमने स्टार्ट की थी, कितनी कितनी तरह की होती हैं। सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज हम सिर्फ देखेंगे सेल वॉल इनहिबिटर्स जो हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं पेंसिलीन्स। पेंसिलीन क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। पहले हम एक चार्ट देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आ रही है हमारे पास जो एजेंट्स हैं हमारे जो सेल वॉल को इफेक्ट कर रहे हैं, सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। उसमें आते हैं हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, और बेटा ये मूव कर रही है स्लाइड्स आपके पास? नो मैम, नो मैं दोबारा शेयर करके देखती हूँ। मैम, जी बच्चे, मैम को इसका पैटर्न क्या होगा? बेटा एमसीक्यूज होंगे। मैम कितने जी बच्चे थोड़े कितने एमसीक्यूज से होंगे? एमसीक्यूज होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। शॉर्ट सा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करेंगे हम। अच्छा, अब ये स्लाइड चेंज हो रही है आपके पास या नहीं? यस मैम, हो रही है। आई गेस चार्ट शो हो रहा है आप लोगों को? आई गेस नहीं हो रहा। नो मैम, नो मैम, फोर्थ स्लाइड शो हो रही है। ओके। हाँ जी, हम देख रहे हो हैं कि रहे जो हैं। इफेक्ट हम देख रहे हैं वो एजेंट्स जो सेल वॉल को इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आती हैं, और उसके अलावा अदर एंटीबायोटिक्स आती हैं। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उसमें पेंसिलीन, सेफलोस्पोरिन, कार्बाबिनम्स एंड मोनोबेक्टाम्स आती हैं। ये चार क्लासेस हैं जिनकी फिर आगे से डिवीजन है, और उनमें क्या क्या चीजें आती हैं वो है। जो अदर है उसमें बेसिट्रेसिन, वेनकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन आती है। ये हमारे पास आ गई वो जो सेल वॉल पे असर कर रही है। बीटा लैक्टम क्या चीज है? बीटा लैक्टम एक रिंग है जो ये बना हुआ है, जिसे हम बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है। और इन सब ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं सारी, उनमें ये रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। और होता क्या है कि इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? ये जो आर यूनिट है, आर ग्रुप लगा हुआ है, अटैच हुआ है इनके साथ, यहाँ पे इसमें डिफरेंस आता है। अदर एंटीबायोटिक्स जो है उनमें बीटा लैक्टम ग्रुप नहीं होता। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स क्या है? ये लैक्टम ग्रुप है। लैक्टामेज क्या चीज हो जाएगी जो भी इनके अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे लैक्टामेज। बैक्टीरिया जो है वो एंजाइम्स बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्टामेजेस। वो इन एंटीबायोटिक्स पे एक्ट करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो लैक्टामेज
एंजाइम को इनहिबिट कर दे उसके, तो उस एंजाइम के अगेंस्ट भी हमने एक ड्रग बनाई है जिसका नाम है क्लैवुलैनिक एसिड, सल्बेक्टाम या टेजोबेक्टाम। ये क्या करते हैं कि उन लैक्टामेजेस को खत्म कर देते हैं जो कि इन बीटा लैक्टाम के अगेंस्ट बन चुके हुए होते हैं। ठीक है, समझ आई ये बात? वो है हमारे पास बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स। ठीक है, पेंसिलिन जी बच्चे। मैम बीटा लैक्टाम जो है वो एक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी, जब वो बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ लैक्टामेज एंजाइम बनाएगा, उसके ऊपर भी इनहिबिटर्स एक्ट करेंगे, ऐसे ही है ना बेटा? ऐसा है कि देखो, हाँ जी, बैक्टीरिया पे बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया पे एक्ट किया, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बैक्टीरिया ने अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और लैक्टामेज बनाने लगा। अब जब वो लैक्टामेज बनाने लगा तो जब बीटा लैक्टाम आई एंटीबायोटिक तो वो उस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देगा, बजाय ये कि वो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, समझ आई बात की? यस मैम। तो अब क्या हुआ कि हमने एक नई मेडिसिन बनाई जो कि लैक्टामेज इनहिबिटर्स हैं, जो कि उस एंजाइम को ही खत्म कर देंगे ताकि हमारी वो जो एंटीबायोटिक हम पहले दे रहे हैं बीटा लैक्टाम वाली वो डिस्ट्रॉय ना हो। ओके मैम, थैंक यू। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है जो कि इंटरफेयर करती है विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि मैमिलियन सेल में नहीं होता बल्कि सिर्फ प्लांट सेल में या बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है। ये सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसमें ग्लाइकन यूनिट्स होते हैं और बीच में इनके पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स होते हैं। जो इन जो सेल वॉल पे जो भी हमें एंटीबायोटिक जो रिक्वायर्ड है जो कि सेल वॉल पे एक्ट करे, उसे चाहिए कि वो उसको प्रोलिफरेट कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जा सके। पेंसिलिन की बात स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वाइडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं, लीस्ट टॉक्सिक ड्रग्स हैं, इंक्रीज इनकी इनके ज्यादा यूज की वजह से इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हुई है। मेंबर्स जो हैं इस फैमिली के उनमें डिफरेंस कहाँ से आता है? जो आर ग्रुप था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था लैक्टाम रिंग के साथ, वहां पे आर सब यूनिट चेंज हो जाता है जिसकी वजह से इसके बाकी सब यूनिट्स डिफरेंट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, नेचर जो है साइड चेन की, वो जो डिफरेंट नेचर हो जाती है साइड चेन की, वो क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है? उसके एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम को, उसके स्टेबिलिटी जो स्टमक एसिड के अगेंस्ट है उसकी, और उसकी ससेप्टेबिलिटी जो बैक्टीरियल डिग्रेडेटिव एंजाइम्स यानी कि लैक्टामेजेस बनते हैं उसके अगेंस्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास बीटा लैक्टाम रिंग है और ये आर सब यूनिट है जिसमें डिफरेंस आएगा, और वो जो है उसकी वजह से हमने कहा है कि स्पेक्ट्रम डिफरेंट हो सकता है, उसकी रेजिस्टेंस में डिफरेंट आ सकता है, और उसकी स्टेबिलिटी स्टमक एसिड्स के लिए है उसमें डिफरेंस आ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरीके से पेंसिलिन एक्ट करेंगी? पेंसिलिन क्या करती है? जो बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस है उसका लास्ट स्टेप होता है कि जो पेप्टाइड जो हमने पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग होती है, तो ट्रांसपेप्टाइडेशन यानी उन पेप्टाइड्स के दरमियान की जो क्रॉस लिंकिंग है उसको वो स्टॉप कर देगी। ठीक है, और जो लेस स्टेबल मेम्ब्रेन है वो आ जाएगी हमारे पास। उससे क्या होगा कि जब सेल वॉल ही खत्म हो गई है तो वहां पे सेल लाइसिस हो जाएगी, दो रीजंस की वजह से, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से या फिर ऑटोलाइसिस डेवलप हो जाएंगी जिसकी वजह से वो सेल अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेगा। दस ये जो हमारे पास ड्रग्स आई ये हमारे पास क्या हो गई? बैक्टीरियोसिडल हो गई। जो हमने पढ़ा था बैक्टीरियोसिडल होती है या बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, तो यानी बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स ये इस वजह से हो गई क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया बैक्टीरिया को कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे खत्म ही कर दिया। ठीक है, सेल डेथ हो जाएगी एंटीबायोटिक के साइज पे, चार्ज पे और उसकी हाइड्रोफोबिसिटी पे डिपेंड करता है। पेंसिलिन जो है वो रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है जो कि सिंथेसाइज करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। ठीक है, उनके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। किसके लिए इफेक्टिव नहीं है? जिनमें क्या जिनमें ये स्ट्रक्चर ना हो यानी सेल वॉल ना हो, माइकोबैक्टीरिया में नहीं है, प्रोटोजोआ में नहीं है, फंजाई में और वायरसेस में पेंसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं है। होता क्या है कि हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से जाके ये एक्ट कर रही है, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि जब इन्होंने सेल वॉल को क्रॉस कर लिया, उसकी लिंकेज क्रॉस उसकी क्रॉस लिंकिंग डिस्ट्रॉय कर दी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अंदर गए हैं उसके साइटोप्लाज्म में पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे वहां जाके, पेंसिलिन वहां अटैच हो गई है।
और यही पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वही इसके सेल वॉल की सिंथेसिस में और उसको मेंटेन रखने में, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होती हैं। अब पेंसिलिन ने अंदर जाके पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हुई है और वहां जाके उसको डिस्ट्रॉय कर लिया। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा, डेड हो जाएगा। और हर बैक्टीरिया में डिफरेंस होते हैं नंबर जो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उसका। नेक्स्ट चीज क्या आएगी, इनहिबिशन हो जाएगी ट्रांसपेप्टाइडेज की। ट्रांसपेप्टाइडेज क्या चीज है, जो कि ट्रांस का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड में, यानी कि एक पेप्टाइड से दूसरे पेप्टाइड में जो क्रॉस लिंकिंग हो रही थी उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, इनहिबिट कर दिया। तो ये पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो कैटलाइज करेंगी यानी खत्म कर देंगी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग को, जो कि पेप्टिडोग्लाइकिन चेन्स के दरमियान में हो रहा है। दस पेंसिलिन्स इनहिबिट दिस ट्रांसपेप्टाइडेज कैटलाइज रिएक्शन, उससे क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग जो सेल वॉल की इंटेग्रिटी के लिए है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि सेल वॉल की इंटेग्रिटी लॉस हो जाएगी और वो डिस्ट्रॉय होने में उसको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट चीज आ गई हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसेंस। ऑटोलाइसेंस में क्या होगा, ये बैक्टीरिया जिसमें पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव कोकाई आते हैं वो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स बनाएंगे जिन्हें ऑटोलाइसेंस कहते हैं, जो कि फिर क्या करेंगे उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल की नॉर्मल रिमॉडलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। पेंसिलिन की प्रेजेंस में क्या होगा, कि ये जो डिग्रेडेटिव एक्शन है ऑटोलाइसेंस का वो प्रोसीड कर जाएगा और सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई कि हुआ क्या, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट किस तरीके से आया पेंसिलिन का, दोनों तरह से सेल वॉल सिंथेसिस की भी इनहिबिशन हो गई और जो एग्जिस्टिंग सेल वॉल थी उसको भी ऑटोलाइसेंस प्रोड्यूस करके डिस्ट्रॉय कर दी है। स्पेक्ट्रम है पेंसिलिन का, जो एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है पेंसिलिन का वो डिपेंड करता है कि वो क्रॉस कर ले उसकी सेल वॉल को और रीच कर जाए पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स तक। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होती है और वो इजीली पेंसिलिन उसको क्रॉस कर जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास जो के जिनमें आउटर लिपोपोलीसेक्राइड मेम्ब्रेन है और एक है जिनमें हमारे पास ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इस मेम्ब्रेन में वाटर चैनल्स हैं जिसको हमने पोरेंस कहा है। तो ये जो हमारी लिपोपोलीसेक्राइड मेम्ब्रेन जिनमें आ जाती है वो उसके उसके अराउंड एक एनवेलप बना देती है और इनको इस ड्रग को अंदर एंटर नहीं होने देती सेल वॉल तक, इसकी वजह से ये रेजिस्टेंट है उससे। क्योंकि वो वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनमें लिपोपोलीसेक्राइड बायलेयर तो प्रेजेंट है लेकिन उनमें वाटर फिल्ड चैनल्स हैं जिन्हें हमने पोरेंस कहा है, वहां से ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो एंटर, सॉरी वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो एंटर हो जाती है। नेचुरली अक्रिंग पेंसिलिन, जी बच्चे मैम स्पेक्ट्रम रिपीट कर दें लास्ट पॉइंट। बेटा ग्राम पॉजिटिव का हमने बताया कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उस सब के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, जबकि ग्राम नेगेटिव में दो तरह के आ गए। ग्राम नेगेटिव में एक वो है जिनमें लिपोपोलीसेक्राइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो एनवेलप कर देती है और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं इनमें से उनको एंटर नहीं होने देती, जबकि जो ग्राम नेगेटिव जिनमें लिपोपोलीसेक्राइड एनवेलप तो प्रेजेंट है लेकिन उनमें वाटर फिल्ड चैनल्स प्रेजेंट है जो अलाउ करते हैं कि वाटर सॉल्युबल ड्रग वहां से पास कर जाए उन चैनल्स में से, उसको सिर्फ उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ये इफेक्टिव है। ठीक है, नेचुरल पेंसिलिन जो अवेलेबल है एंटी स्टेफाइलोकोकल है। फर्मेंटेशन कहाँ से ड्रॉ की, पेंसिलिन क्रायसोजेनम की, उससे फर्मेंट करके की, इसमें एम्पिसिलिन आती है वो सेमी सिंथेटिक हो गई। इनमें डिफरेंस कहाँ आ रहा था, आर ग्रुप्स में, जो कि अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड जो 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड है उसके न्यूक्लियस के साथ बीटा लैक्टम ग्रुप के साथ अटैच हुआ होता है। पेंसिलिन जी है जिसे बेंजाइल पेंसिलिन भी कहते हैं, वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, कॉर्नर स्टोन है फॉर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कोकाई के लिए, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के लिए और स्पायरोकीट्स के लिए। लेकिन पेंसिलिन जी जो है वो ससेप्टेबल है टू द इनएक्टिवेशन बाय बीटा लैक्टमेजेस जो कि पेंसिलिनेजेस थे। पेंसिलिन वी का भी स्पेक्ट्रम पेंसिलिन जी के सिमिलर है। एंटी स्टेफिलोकोकल पेंसिलिन है उनमें कौन कौन सी आ जाती है, मेथिसिलिन, नेफसिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन।
इनका यूज उसमें है जहाँ पे नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होता है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, हॉस्पिटल में लॉन्ग स्टे की वजह से बहुत देर से कोई एडमिट हो हॉस्पिटल में, उनमें जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, या हॉस्पिटल में इर्द-गिर्द एनवायरमेंट की वजह से जो एक्वायर्ड होते हैं उन्हें नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, उनमें ये इफेक्टिव है। उसके अलावा मेथिसिलीन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस के जो स्ट्रेन हैं MRSA, वो सिर्फ वेंकोमाइसिन से ट्रीट होते हैं, उनमें ये इफेक्टिव नहीं है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलीन हैं जिनमें एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। एम्पिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ग्राम पॉजिटिव बैसिलस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, और ये प्रोफाइलेक्टिकली भी देते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें हार्ट सर्जरी ऑलरेडी हुई भी हो और उनमें डेंटल एक्सट्रैक्शन या कोई डेंटल प्रोसीजर करना हो। ये पहले भी बात की थी कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हुई है क्योंकि लैक्टामेज एंजाइम बन जाता है, उससे क्या हुआ है कि इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो भी इससे रेजिस्टेंट है, और लैक्टामेज इनहिबिटर जो हमने बात की थी कि वो बन गया, जिसको फिर हम जिसके लिए देन हम क्लेवुलैनिक एसिड, सेलबेक्टाम और टेजोबेक्टाम यूज करते हैं। एंटी सुडोमोनल पेंसिलिन हैं जिनमें कार्बेंसिलिन, टेक्रासिलिन, पिप्रासिलिन आती हैं, ये इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। एंटी सुडोम पी ओरिजिनोसा के अगेंस्ट भी इनकी है, और इनकी फॉर्मुलेशन कंबाइन की जाती है क्लेवुलैनिक एसिड के साथ। उससे फायदा ये होता है कि जो बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक है उसके साथ हम बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर दे देते हैं, तो वो जो लैक्टामेज एंजाइम बना है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक को मार्जिन मिल जाता है अपना फंक्शन करने का इफेक्टिवली। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो साइनर्जेस्टिक इफेक्ट आता है। साइनर्जेस्टिक इफेक्ट हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कि एनहांस्ड इफेक्ट आता है, क्यों? इससे फायदा ये होता है कि पेंसिलिन जो है वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं, इनहिबिट करती हैं, और वो अमाइनोग्लाइकोसाइड को फैसिलिटेट करती हैं कि वो एंटर हो जाए। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, वो उसको फैसिलिटेट करती हैं कि वो अंदर एंटर हो जाए और प्रॉपर्ली अपना फंक्शन करते। इससे हमें फिर एनहांस्ड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी अचीव हो जाती है। किन ऑर्गेनिजम्स में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है जिनमें या तो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल लैक कर जाए, या जिनमें इम्परमिएबल हो जाए ड्रग से। इसके अलावा एक्वायर्ड हो जाती है, यानी कि एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड में ट्रांसफर हो गई है, तो वहां पे इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इन ऐसे ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लीकेशन होगी तो फिर वो इंक्रीज रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाती है। लैक्टामेज एक्टिविटी क्या है, ये हमने पहले बात की कि लैक्टामेज एंजाइम होता है जो बीटा लैक्टाम रिंग को तोड़ देता है, इसकी वजह से ड्रग की एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी लॉस हो गई है। मेजर कॉज है रेजिस्टेंस का पेंसिलिन की, और एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। लैक्टामेजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव भी हो सकते हैं या फिर वो एक्वायर्ड हो सकते हैं, यानी कि या तो उन्होंने खुद कंस्ट्रक्ट किए हो या फिर वो प्लाज्मिड से ट्रांसफर करके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आए हैं। होगा क्या, परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग जो है वो लॉस हो जाएगी, पेनिट्रेशन ही नहीं होगी एंटीबायोटिक की, सेल से अंदर ही नहीं जाएगा, तो पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ अटैच ही नहीं होगा, या फिर इफ्लक्स पंप होगा जो कि रिड्यूस कर देगा इंट्रासेलुलर ड्रग की अमाउंट को। ऑल्टर्ड पीपीपीज है, इनमें यही होगा कि वो ऑल्टर हो गए हैं और उनकी एफिनिटी जो लैक्टाम एंटीबायोटिक्स के लिए पहले थी वो लॉस हो गई है, और उसको रिजल्ट्स नहीं आएंगे उस ड्रग से जो हमें ऑलरेडी अचीव हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या है कि ये स्टेबल है गैस्ट्रिक एसिड से, इस वजह से इनके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादातर ओरल है। जो आईवी और आई है उसमें टिक्रासिलिन, कार्बेंसिलिन, पिप्रासिलिन और कॉम्बिनेशन जो है एम्पिसिलिन, सिलबेक्टाम, क्लेवुलैनिक एसिड और टिक्रासिलिन का, पिप्रासिलिन और टेजोबेक्टाम का, ये सब आईवी और आईएम दे रहे हैं। पेंसिलिन वी, अमोक्सिसिलिन, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलैनिक एसिड को यूटीआई के लिए देते हैं, ये ओरल और एज वेल एज आईवी और आईएम दोनों से इफेक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेशन के किस तरीके से करेंगे, 30-60 मिनट बिफोर मील देंगे या फिर 2-3 आवर्स आफ्टर मील देंगे, और
जो सारी पेंसिलिन्स हैं वो इनफेक्टिव हैं बाय द फूड, वो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. डिस्ट्रीब्यूशन इनकी थ्रू आउट बॉडी होती है, प्लेसेंटा को भी ये क्रॉस कर जाते हैं लेकिन ये टेरेटोजेनिक नहीं है. CSF में ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेते हैं सिर्फ उस केस में जब इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, इसलिए हम इन्हें मेनिनजाइटिस के केस में इनकी सफिशेंट नहीं है इस केस में. लेकिन जो हमारे पास सेफलोस्पोरिन्स आएंगी वो इन्फेक्शन के केस में सिर्फ तब कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस जब इन्फेक्शन प्रेजेंट हो. इसके अलावा प्रोस्टेट को भी क्रॉस नहीं करते, इस वजह से उसमें भी इनइफेक्टिव है. मेटाबॉलिज्म इनका जो है वो किडनी में मेटाबोलाइट्स इनके जो है वो कलेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रीनल इनसफिशिएंसी जिन पेशेंट्स में हो उनमें इसको हम अवॉइड करेंगे. और अगर किसी में किडनी फेलियर वाला पेशेंट हो तो उसमें जो पेंसिलिन जी की हाफ लाइफ है वो 1 hour 10 minutes से बढ़ के वन आवर से बढ़ के 10 hours तक चली जाती है, जिसकी वजह से वो डेंजरस हो जाता है, नेफ्रोटॉक्सिक हो जाता है. इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क में भी पेंसिलिन का अमाउंट मिलती है. एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, डायरिया, नेफ्राइटिस, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज हो सकती हैं और कैटाइन टॉक्सिसिटी है. बच्चे पेंसिलिन समझ आई है, आगे स्टार्ट करते हैं फिर सेफलोस्पोरिन्स. जी बच्चों समझ आई है? यस मैम आपकी. सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनेंस और मोनोफेटैम, ये सब भी बीटा लैक्टैम एंटीबायोटिक्स हैं. इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये रिलेटेड है पेंसिलिन्स के साथ. सेमी सिंथेटिकली बनाए गए हैं इन्हें. इनमें क्या है कि 7-aminosephalosporinic एसिड, उसमें 6 था इसमें 7 आ जाता है. मोड ऑफ एक्शन इनका सेम है पेंसिलिन से और सेम रेजिस्टेंट मैकेनिज्म्स है. ये लैक्टामेसिस से ये रेजिस्टेंट है पेंसिलिन के मुकाबले में, यानी कि जो बीटा लैक्टैम रिंग को तोड़ता है एंजाइम लैक्टामेस उसको ये फिर भी उसके तरफ रेजिस्टेंस शो करती है और खुद डिग्रेड नहीं होती. साइड चेन एक अटैच हुई है जिसकी वजह से 7-aminosephalosporinic एसिड हो गया है. होल फैमिली में सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स बनती हैं और फिर उनको हमने आगे से 4 generations में डिवाइड किया है. इन सब का एक्शन भी बैक्टीरियोसिडल है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका सेम है, पेंसिलिन इनहिबिट करेगा सेल वॉल सिंथेसिस को, बाइंड करेगा पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ. लेकिन इनमें जिन प्रोटीन्स के साथ वो बाइंड करता है वो डिफरेंट है. पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 1 एंड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 नाम है जिनका, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है इनके स्पेक्ट्रम में, पोटेंसी में और इनकी लैक ऑफ रेजिस्टेंस में. वही सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमने पेंसिलिन के डिटेल में पढ़े थे यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स में लिख दिए. इनहिबिशन करेगा ट्रांसपेप्टाइडेशन की, इम्परफेक्ट सेल वॉल बनेगी, ऑस्मोटिक ड्राइव होगी, एक्टिवेशन हो जाएगी ऑटोलाइसिन एंजाइम्स की, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा, दस बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी अचीव हो जाएगी. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, इनको हमने 4 classes में डिवाइड कर दिया, 1st generation, 2nd generation, 3rd generation एंड 4th generation, जो डिपेंड करता है उनके ससेप्टिबिलिटी पैटर्न्स पे और उनकी रेजिस्टेंस जो लैक्टामेसिस से है उसके अकॉर्डिंगली. MRSA के अगेंस्ट इनइफेक्टिव है, एलमोनोसाइटोजेंस के, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल के और एंटेरोकोका है, इन सब के अगेंस्ट ये इनइफेक्टिव है. 1st generation में ये ड्रग्स आती हैं सेफालेक्सन, सेफाड्रॉक्सिल, सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 नाम लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए. 1st generation सेफलोस्पोरिन जैसे एक्ट करती हैं जैसे पेंसिलिन जी का सब्सटीट्यूट हो और ये रेजिस्टेंट हैं स्टेफिलोकोकल पेंसिलिनेस से, प्रोटियस मिराबिलिस, ईकोलाई, क्लेब्सिला, इनके अगेंस्ट ये जो है वो इफेक्टिव है. ठीक है, प्रोटियस मिराबिलिस, ईकोलाई एंड क्लेब्सिला. ठीक है, 2nd generation है सिफाक्लोर, सेफोरेनाइड, ये सारे भी सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है. सिफुरेक्साइम इंपॉर्टेंट है इसमें से, इनकी ग्रेटर एक्टिविटी है. बाकी सारा स्पेक्ट्रम सेम है लेकिन इन 3 gram negative के अगेंस्ट भी इनकी एक्टिविटी ज्यादा है, जिनमें एच इन्फ्लुएंजा आ जाता है, एंटेरोबैक्टर, एरोजेंस और निजेरिया स्पीशीज आती है. 3rd generation सेफोटेक्साइम, सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्टेजिडाइन, ये इंपॉर्टेंट है, सारे नाम बेशक आप लोग ना याद करें. 2nd generation भी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट थी और 1st generation हमने पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है. जो 3rd generation की हमने बात की है वो 1st generation से तो इंफीरियर है अपनी एक्टिविटी में, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की एक्टिविटी में, लेकिन ग्राम नेगेटिव के लिए इसकी एनहेंस्ड एक्टिविटी है
सेकेंड जनरेशन के भी मुकाबले में। और ये मेनिनजाइटिस के केस में ड्रग ऑफ चॉइस है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं सिर्फ उस केस में जबकि इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, और इसकी पी ओरिजिनोजा के अगेंस्ट भी एक्टिविटी है सेफ्टेजिडाइन की। फोर्थ जनरेशन है, इसमें सेफिपाइम सेफोजोप्रान आती है, ये फोर्थ जनरेशन है, इनको पेरेंट्रली एडमिनिस्टर करते हैं, वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है इनका। इसके अलावा एरोबिक ग्राम नेगेटिव में, एंटेरोबैक्टर ईकोलाई में, नमूनिया में और पी ओरिजिनोजा में भी इनका जो है वो इफेक्टिव है। रेजिस्टेंस है सेफलोस्पोरिन की, इजीली पेंसिलिन से रेजिस्टेंट नहीं होती, लेकिन जो है लैक्टामेसिस जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है उसके लिए ससेप्टेबल है। इम्परमीएबिलिटी हो जाएगी एंटीबायोटिक की, अपनी जगह तक पहुंचेगा ही नहीं, ऑल्ट्रेशन हो जाएगी पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की या इलेबोरेशन हो जाएगी बीटा लैक्टामेसिस की जो कि हाइड्रोलाइज कर देंगे इसके बीटा लैक्टाम रिंग को और इसे इनएक्टिव कर देंगे। मोस्टली आईवी और आईएम दी जाती है क्योंकि इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन पुअर होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी में, सीएसएफ में भी चली जाती हैं उसी केस में अगर के मेनिनजाइटिस होगा, और एच इन्फ्लुएंजा जो मेनिनजाइटिस कॉज करेगा स्पेशली न्यूनेट्स में और चाइल्डहुड में उसमें ये इफेक्टिव होती हैं। सेफ्ट्राइक्सोन और सेफोटेक्साइन। सेफाजोलिन का क्यूज ये है कि ये सर्जरी से पहले ऑलमोस्ट 1.8 आवर इसकी हाफ लाइफ होती है, इसलिए ये ऑलमोस्ट जो है वो 3 आवर्स पहले सर्जरी से दे दिया जाता, सॉरी 1 आवर पहले सर्जरी से दे दिया जाता है, और अगर प्रोलॉन्ग प्रोसीजर हो जाए इंट्राऑपरेटिव तो फिर सेफाजोलिन दी जाती है ड्यूरिंग ऑपरेशन। मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स में इफेक्टिव होती है जिनमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी आ जाती है क्योंकि ये बोन को भी क्रॉस कर जाती है, इसके अलावा ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी भी किडनीज में हो रही है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से ये वही अगेन बात आ गई जैसे पेंसिलिन की थी कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेंगी, और अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट हो तो उसमें इनको नहीं देना। सेफ्ट्राइक्सोन की बात यह है कि वो बाइल में और फीसिस में भी होता है इसलिए इसको इसलिए इसकी जो है इफेक्टिव है उन पेशेंट्स में जिनमें रीनल इंसफिशेंसी हो। एडवर्स इफेक्ट्स एलर्जिक मैनिफेस्टेशन आ जाएंगी, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन सेफलोस्पोरिन की ज्यादातर उनमें देखी गई है जिनमें पेंसिलिन से भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज हुए थे। इंडिविजुअली सिर्फ सेफलोस्पोरिन से एलर्जी हो ऐसे बहुत कम पेशेंट्स हैं, जिनमें पेंसिलिन से एलर्जी हो उनमें से कॉशन के साथ यूज करना चाहिए, और जो वही बात आ गई कि वो बहुत कम है उनमें जिनमें पेंसिलिन से एलर्जी ना हो उनमें कम है। पेन हो सकती है आफ्टर आई एम इंजेक्शन, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस हो सकता है, डायरिया है, रैशेस फ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंट एनाफिलैक्सिस, एंजियोडीमा, एस्थमा और अर्टिकेरिया। थेरापेटिक यूजेस क्या है, फर्स्ट जनरेशन को एक्सेलेंट है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो कोई जिसमें कोई स्किन फ्लोरा इन्वॉल्व हो उनमें, सेकेंड जनरेशन जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया हुआ है थर्ड जनरेशन ने ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए। थर्ड जनरेशन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर गोनोरिया और सेफ्ट्राइक्सोन फॉर एंटेरिक फीवर, सेफोटेक्साइम और सेफ्ट्राइक्सोन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए। बाकी लैक्टाम एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें कार्बापेनम आती हैं, उनमें क्या है लैक्टाम ये वो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स लैक्टाम एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें पेंसिलिन के वही स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा कि वहां पे क्या हुआ है कि कार्बन एटम की जगह सल्फर एटम अटैच हो जाएगा। इमीपिनम मीरोपिनम एल्टापिनम आती हैं जिसमें, और इनको हम सिलेस्टेटिन के साथ देते हैं जो कि कंबाइन इफेक्ट आता है कि फिर वो इनकी डिहाइड्रोपेप्टाइडेज सॉरी इनको जो है वो डिग्रेड नहीं होते उन एंजाइम से। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है इनका, हाँ जी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं मोस्ट लैक्टामेसिस को भी जो कि एंजाइम डेवलप हुआ था इनके, इसलिए इनके एम्पिरिक थेरेपी में यूज करते हैं अगेंस्ट पेंसिलिनेस प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, यानी ग्राम पॉजिटिव और वो ग्राम नेगेटिव जो कि पेंसिलिन को डिग्रेड कर रहे हैं जो पेंसिलिनेस प्रोड्यूसिंग हो गए हैं उनके अगेंस्ट। इसके अलावा एनारोब्स में पी ओरिजिनोजा के लिए यूज होता है। मीरोपिनम की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इमीपिनम की जैसी ही है। अल्टापिनम जो है वो अल्टरनेटिव
नहीं है पी ओरिजिनोजा के कवरेज के लिए, क्योंकि इसके जो है उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखी गई है। इमिपिनम और मेरोपिनम के फार्माकोकाइनेटिक्स है, आईवी दिए जाते हैं, पेनिट्रेट वेल इनटू बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स, सीएसएफ को भी क्रॉस कर जाते हैं, एक्सक्रीशन इनकी भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से है, इनकी भी क्लीवेज होती है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज से जो के प्रॉक्सिमल रीनल टिब्यूल में ही होता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, अगेन वही सारी चीजें हैं, लेकिन जो कंपाउंड है इमिपिनम का और सिलेस्टेटिन का वो प्रोटेक्ट कर लेता है पेरेंट ड्रग को और से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, जिसकी वजह से हम इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं यूटीआई में। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एओसिनोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया भी हो जाता है और हाई लेवल्स जो है उनसे सीजर्स भी हो सकते हैं, इमिपिनम के, मेरोपिनम से ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोनोबैक्टाम्स हैं, ये भी बीटा लैक्टाम कंपाउंड्स हैं, ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं और कमर्शियली अवेलेबल मोनोबैक्टाम एंटीबायोटिक जो है वो सिर्फ एस्ट्रियोनैम है। एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें स्किन रैश और ओकेजनल एबनॉर्मल लिवर फंक्शन आ जाते हैं। लैक्टाम इनहिबिटर्स हैं जो हमने पढ़े थे, क्लेवलैनिक एसिड, सिल्बैक्टाम, टेज़ोबैक्टाम, इन्होंने क्या करना था, लैक्टाम रिंग को प्रोटेक्ट करना था कि लैक्टामेजेस उस पर एक्ट ना करें, बाइंड कर जाते हैं और इनएक्टिवेट कर देते हैं बीटा लैक्टामेजेस को, देयर बाय प्रोटेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक को जो कि नॉर्मली सबस्ट्रेट थी इन एंजाइम्स का। इसलिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे हमने क्लेवलैनिक एसिड का कॉम्बिनेशन बनाया एमोक्सिसिलिन के साथ, इससे क्या होगा कि ये बीटा लैक्टाम एंटीबायोटिक है और ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स है, तो वो एंजाइम जो इसके अगेंस्ट बना है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा और उससे इसकी एक्टिविटी अचीव हो जाएगी। अगर अलग से देंगे क्लेवलैनिक एसिड तो उसकी अपनी कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं है। वैनकोमाइसिन जो अदर्स थी, बीटा लैक्टाम इनमें रिंग नहीं होता, ये ट्राईसाइक्लिक ग्लाइकोपेप्टाइड होता है इसमें प्रेजेंट और ये इफेक्टिव है उन केसेस में जिनमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो चुके हों, जैसे कि एमआरएसए है और एंटेरोकोकाई है। बेसिट्रेसिन जो है मिक्सचर है पॉलीपेप्टाइड्स का जो कि इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को। इसके अलावा ये के ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी ज्यादा है। टॉपिकल एप्लीकेशन सिर्फ इसकी होती है क्योंकि इनमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि इनहिबिट कर देती है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को, फॉस्फोलिपिड्स को जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, वो डीएलआर जो के पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे थे उसको ब्रेक कर देती है। ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन स्टेप खत्म कर देती है जिसकी वजह से सेल वॉल की वीकनिंग हो जाती है और डैमेज हो जाती है अंडरलाइंग सेल मेम्ब्रेन भी। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है इसका, इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है एमआरएसए के केस में, जो के मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफलोकोकस एपिडर्मिस है और स्टेफ ऑरियस इन दोनों के अगेंस्ट, एज वेल एज एंटेरोकोकल इन्फेक्शंस। साइड इफेक्ट्स इसके ये हैं कि अगर आईवी एज इन्फ्यूजन देंगे तो वो टिश्यू नेक्रोसिस या फिलिबाइटिस भी कॉज कर देती है, रेडमैन सिंड्रोम हो जाता है जो कि इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है हिस्टामिन रिलीज की वजह से होता है, यानी कि बिल्कुल रेड फेस हो जाता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स जिसमें न्यूट्रोपिनिया, डेफनेस आती है जो कि रिवर्सिबल होती है, ड्रग को स्टॉप करेंगे तो वो भी रिवर्स हो जाएगी, और इसके अलावा रीनल इंपेयरमेंट के केसेस में ये जो है वो इसके मेटाबोलाइट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं। जी ये इतना ही है आज का लेक्चर, पेंसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स बेसिकली सेल वॉल इनहिबिटर्स, ये सारे कवर कर लिए हैं, बाकी आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सिर्फ इन दो लेक्चर्स का आपका क्विज होगा नेक्स्ट टाइम, ये जो आज वाला लेक्चर है और जो लास्ट टाइम हमने एंटीबायोटिक्स वाला लेक्चर पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंटीबायोटिक्स का। कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें बच्चा। मैम टाइमिंग्स? जी बच्चे टाइमिंग्स क्विज की? लेक्चर टाइम पे ही होगा 3:30। ओके मैम। जी बच्चों और किसी ने कोई चीज पूछनी है? नो मैम। मैम क्वेश्चंस बता दें, सिनेरियो बेस्ड आएंगे या एमसीक्यूज होंगे? बच्चे मिक्स आएंगे, ना सारे सिनेरियो बेस्ड होंगे ना सारे सिंपल होंगे, लेकिन इजी होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आप लोगों की रिवीजन अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को समझ आ जाएंगी और इजीली याद रहेंगी।
मैम पैटर्न क्या होगा? एमसीक्यूज होंगे बेटा, एलएमएस बेस्ड होगा। मैम वेटेज कितनी होगी? जी बच्चे वेटेज कितनी होगी क्विज की? बेटा क्विज आप लोगों का क्विज की वेटेज वैसे 10% है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक दो क्विज और ले लें ताकि इसकी वेटेज कम हो जाए, ताकि सबकी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज हो जाए और किसी एक की डायरेक्ट 10% ना हो। एक और ले लें और दोनों की मिला के 5-5 कर लें। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।